भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भले ही वर्तमान कप्तान विराट कोहली के बहुत बड़े प्रशंसक हों, लेकिन उनका मानना है कि सचिन तेंदुलकर जैसा स्थान पाने के लिए अब कोहली को काफी लंबा सफर तय करना होगा। गांगुली का मानना है कि सचिन के साथ कोहली की तुलना करना अभी जल्दबाजी होगी। गौरतलब है, विराट कोहली ने कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार शतक जड़ा। ये उनके टेस्ट करियर का 18वां और कुल मिलाकर 50वां शतक है। वहीं महान सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर में कुल 100 शतक जड़े थे। हालांकि गांगुली को ये जरूर लगता है कि कोहली इस तरह आगे भी शतक लगाते रहेंगे और ऐसा वो 2008 में अपने डेब्यू से ही कर रहे हैं। मैच के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, सचिन के साथ उनकी तुलना करना जल्दबाजी होगी। अभी भी उन्हें 50 शतक और बनाने हैं, लेकिन जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो इसी तरह शतक बनाते रहेंगे। कुछ लोगों का मानना था कि कोहली अपने शतक के चक्कर में ना पड़कर अगर भारत की पारी को थोड़ा जल्दी घोषित कर देते तो भारतीय टीम जीत सकती थी। हालांकि इस बारे में गांगुली का मानना है कि कोहली ने सही समय पर पारी घोषित की, क्योंकि उस समय तक भारतीय टीम इतना रन बना चुकी थी कि श्रीलंका जीत के बारे में ना सोचे। विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। हालांकि पहली पारी में वो शून्य पर आउट हो गए थे, लेकिन उसकी भरपाई उन्होंने दूसरी पारी में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से की। कोहली ने 119 गेंदों पर 104 रन बनाए और शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया। ये उनका 50वां अंतर्राष्ट्रीय शतक है और ये कारनामा करने वाले वो क्रिकेट इतिहास के 8वें बल्लेबाज बन गए हैं। जबकि सचिन तेंदुलकर के बाद तब वो अब भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 50 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए हों। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 24 नवंबर से नागपुर में खेला जाएगा, जिसको जीतकर भारतीय टीम एक रन शून्य की बढ़त बनाना चाहेगी।